ऑन वाटर्स। आपने तो ईद घर से दूर जहाज पे गुजारी होगी, उसका जरा एक्सपीरियंस जो है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें, हाउ इट फील्स, कितना मुख्तलिफ लगता है आपको कि अगर आप घर पे हों ईद मनाएं और जहाज पे हों तो ईद मनाएं। बिल्कुल, जब ऑन बोर्ड शिप था, बिकॉज आई हैव सर्व्ड ऑन बोर्ड शिप फॉर 3 years, तो उसमें कहीं ईदें आईं जिसमें आई वॉज एट आउट एट सी विद, तो नेवी भी ना जिस तरह आपकी घर की एक फैमिली होती है, देयर इज अ गाइडेंस आपको देती है, प्यार देते हैं आपको, सब कुछ देते हैं, तो नेवी भी एक मोर लाइक अ फैमिली है जो आपको इस बात का एक तो बॉन्ड आपका बहुत करीब है, और जब आप ऑन बोर्ड शिप चले जाते हैं तो फिर माहौल और ज़्यादा एक यूनाइटेड सा हो जाता है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा, तो एक फैमिली सी आपको वैसी फीलिंग आना शुरू हो जाती है। आई रिमेंबर मेरी 2016 और 15 की जो ईद थी, तो इट वॉज आउट एट सी समवेयर इन गल्फ ऑफ एडन में हम ऑपरेट कर रहे थे, और इसी तरह हमारा जो ईद का दिन आ रहा था, तो ईद हमारी कुछ इस तरह शुरू हुई कि सबसे पहले फजर की नमाज़ में हमने दुआएं की पाकिस्तान के तरक्की के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, तमाम मुसलमानों की जो दुनिया में हालत है उसको बेहतर के लिए और तरक्की के लिए। उसके बाद सुबह क्योंकि हम आउट एट सी में नमाज कोई इतना इमाम खासियत नहीं होती, तो हमें एक ईद की नमाज़ तो उससे तो नहीं, लेकिन 8 बजे एक ऑफिसर्स की गेट टुगेदर होती है जिसे हम ईद मिलन पार्टी के नाम से जहाज़ के अंदर ही, उसमें तमाम ऑफिसर्स भी होते हैं, सिपाही भी होते हैं, जूनियर रेट्स भी होते हैं। अगर कोई ऐसा साथी हो जिसको इस्लाम के हवाले से बहुत ज़्यादा मालूम हो तो नमाज तो पढ़ी जाती है। जी बिल्कुल, खतीब का है, जैसे RMOs अभी हमने रिसेंटली अंडक्ट किए हैं, तो उस लिहाज से भी क्योंकि अभी उन्होंने ऑनबोर्ड शिप आना है, और खतीब भी होता है, ऐसी भी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं, तो अगर अवेलेबिलिटी हो उस वक्त खतीब की तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आउट एट सी क्योंकि आप सफर में हैं और आउट एट सी है तो इसमें कोई वो भी नहीं है, वो तो है ही, आपको दो फर्ज की इजाजत है ना कि आपका फर्ज दो, तो लेकिन वो पॉसिबिलिटी देखी जाती है उस वक्त क्या हो सकता है, बट नेवरदलेस जो भी है उसके बाद बोथ वॉचेस मतलब एक ईद मिलन पार्टी होगी जिसमें तमाम सिपाही ऑफिसर्स सब मिलकर एक दूसरे से ऑन बोर्ड या मैसेज में।